हाँ भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को नाइन बेटा क्या कह रहे हैं देखो रेक्टेंगल हुर वन कोमा टू एंड थ्री कोमा सिक्स इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल इफ द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल इज इतने देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ठीक है भाई क्या कह रहे हैं देखो यहाँ से बोर्डर बेटा में एक सर्कल है सर्कल में क्या है एक रेक्टेंगल बना रखा है भाई ये मान लिया ए बी सी और डी इसके दो एडसन साइड वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा सिक्स ठीक है यहाँ से देखें क्या कह रहे हैं अब हमें क्या बोल रहे हैं बेटा एक लाइन है जो डायमीटर है इस सर्कल की इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से देख रहे हो आप लाइन बेटा इसका स्लोप बताओ इस लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है हमें इस लाइन का स्लोप दिख रहा है बेटा सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन लिखी देता हूँ मैं सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन यानी कितना हो गया फोर अपॉन टू यानी टू और इस लाइन का स्लोप देखो तो जो डायमीटर दे रखा है टू ये इसका मतलब जो डायमीटर है वो इस लाइन के पैरेलल ला ला? है ठीक है नहीं तो डायमीटर है वो इस लाइन के पैरेलल ला ला है बेटा यानी ये डायमीटर हो गई और वो है इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसकी हाफ हो जाएगी बेटा यानी एक साइड यहाँ से आ जाएगी एक साइड यहाँ से आ जाएगी बताओ ए बी लेंथ कितनी दिख रही है हमें एरिया चाहिए रेक्टेंगल का इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस चाहिए हमें तो ए बी तो डायरेक्ट दिख रही है बताओ थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर एंड सिक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन रूट ट्वेंटी रूट फाइव जो भी लिखो नेक्स्ट क्या करें देखो आप ये डिस्टेंस बेटा तो ईडी कितनी हो जाएगी हमारी टू टाइम्स ऑफ ये डिस्टेंस यानी इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो तो टू टाइम्स ऑफ मॉडलस ऑफ बताओ इस पॉइंट की वन कॉमा टू की वन कॉमा टू रखो बेटा वन वन रखो वन रखोगे तो टू टू प्लस फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर प्लस वन यानी कितना आगे बढ़ा ये भी एट रूट फाइव तो इसको भी हमने क्या लिख दिया टू रूट फाइव तो एरिया दिख रहा है कितना हो गया बताओ एरिया कितना लिखें एरिया इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी तो बोलो कितना आगे बढ़ा, टू रूट फाइव इंटू एट अपॉन रूट फाइव आंसर इज सिक्सटीन तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा हमारा थर्ड आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन बेटा क्या कह रहे हैं देखो इफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स पावर टेन इन दिस एक्सपांशन इज इतने जो भी है देखो क्या कह रहे हैं तो जनरल टर्म बेटा टी आर प्लस वन ऑट टर्म इज इक्वल टू एन सी आर सिक्सटी सी आर फा एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन फाइव की पावर वन बाई फोर की पावर सिक्सटी माइनस आर इन टू कितना बेटा फाइव की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री वन बाई थ्री है बेटा है ना की पावर आर तो यहाँ से एक्स की पावर निकाल रहे हैं डायरेक्ट में पावर की बात कर रहा हूँ बेटा टेन वाली तो बताओ यहाँ पर क्या लिखें एक्स की पावर कितनी दिख रही है सिक्सटी माइनस आर अपॉन टू माइनस यहाँ से कितना दिख रहा है बेटा आर बाई थ्री मल्टीपल में एडिशन है नहीं नेगेटिव ही रह जाएगा बेटा तो बताओ कितना आ गया सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वन एटी माइनस थ्री आर माइनस टू आर इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव आर टू वन ट्वेंटी तो आर कितना आ गया बेटा ट्वेंटी फोर आर की वैल्यू ट्वेंटी फोर आ गई भाई तो बताओ बोल रहे बेटा कॉफिशियंट तो कॉफिशियंट लिख रहा हूँ मैं इसमें आर की वैल्यू ट्वेंटी फोर रखते हुए टर्म नहीं लिख रहा हूँ बेटा तो बताओ ट्वेंटी फोर कितना आ जाएगा सिक्सटी सी ट्वेंटी फोर कॉफिशियंट लिख रहा हूँ बेटा मैं सिर्फ फाइव की पावर इधर देखो ये कितना आएगा बेटा कॉफिशियंट में ये थर्टी सिक्स लिखी देता हूँ चलो इसको वन अपॉन फाइव की पावर वन बाई फोर की होल पावर थर्टी सिक्स यहाँ पर कितना आएगा फाइव की पावर वन बाई टू की होल पावर ट्वेल्व ट्वेल्व में ट्वेंटी फोर ठीक है तो बताओ कितना आ गया ये ये आ गया सिक्सटी फैक्टोरियल अपॉन थर्टी सिक्स फैक्टोरियल इंटू ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन फाइव की पावर नाइन इंटू फाइव की पावर ट्वेल्व तो ये आगे बेटा फाइव की पावर थ्री इंटू सिक्सटी फैक्टोरियल अपॉन थर्टी सिक्स फैक्टोरियल इंटू ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे देखें ध्यान से इसमें हमें बोल रहा है बेटा ये रिजल्ट फाइव की पावर के इन टू एल और एल क्या है को प्राइम विद फाइव यानी एल में फाइव नहीं होना चाहिए तो ये नहीं थ्री आंसर दे दें गलत हो जाएगा इसमें क्या और निकालने पड़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ फाइव निकालना पड़ेगा हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्सपोनेंट ऑफ फाइव एक्सपोनेंट ऑफ फाइव याद है कैसे निकालते हैं जी वाले कंसेप्ट से याद आ रहा हो तो सिक्सटी अपॉन फाइव मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं चलो एक में तो बता देता हूँ नेक्स्ट मैच डायरेक्ट लिख दूंगा तो बताओ न्यूमरेटर में तो कितना आ जाएगा बेटा ट्वेल्व प्लस टू डायरेक्ट क्या होता है इसका ध्यान दें सिक्सटी डिवाइड बाई फाइव डिवाइड बाई फाइव करोगे तो ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइड बाई फाइव बेटा टू अब डिवाइड होगा ही नहीं तो वही लिखा है मैंने डिनोमीटर में क्या आएगा बताओ डिनोमीटर का मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मैंने अभी बताया तो बताओ फाइव थर्टी सिक्स में फ़ाइव से डिवाइड करो बेटा सेवन सेवन में फाइव से डिवाइड करो वन तो ये डिनोमीटर का आएगा एक और डिनोमीटर का आएगा कितना ट्वेंटी फोर में फाइव से डिवाइड करो बेटा फोर और फोर में फाइव से डिवाइड बहुत से जीरो हो जाएगा तो एक ही आ गया तो डिनोमीटर की पावर तो कितनी होगी बताओ एट और ट्वेल्व ये तो डिनोमीटर की पावर हो जाएगी न्यूमरेटर की पावर कितनी दिख रही है हमें फोर्टीन तो यहाँ से जो इस में फाइव की पावर आएगी बेटा वो कितनी आएगी फोर्टीन अपॉन फाइव की पावर ट्वेल्व और रिमेनिंग जो भी नंबर रह जाएगा क्लियर तो फाइव की क्या एक पावर रहेगी टोटल फाइव पावर थ्री प्लस यहाँ से बेटा फाइव पावर टू यानी फाइव यानी फाइव की पावर फाइव इन टू एल तो हमारा क्या हो गया बेटा फाइव की पावर के कितना हो गया क्वेश्चन बढ़िया था ये कितना हो गया बेटा फाइव आंसर हो गया ठीक है क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना पड़ रहा था पी वाला कंसेप्ट भी था और कौन सा वाला भी था बाय थ्योरम तो थी थी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन क्या कह रहा है इफ द नॉन रियल रूट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड बार आर द वर्टिस ऑफ अ पॉलीगन आर द वर्टिस ऑफ द पॉलीगन ठीक है देन द एरिया ऑफ द पॉलीगन इज देखो क्या कह रहे हैं बेटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड ठीक मॉडल लगा दिया तो मॉडल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड यानी जेड का मॉडल मॉडल जेड ज़ीरो हो नहीं सकता किसकी बात कर रहा है बेटा नॉन रियल की बात कर रहा है भाई तो बताओ मॉडल जेड कितना आ गया वन इसमें मैंने क्या किया जेड से और मल्टीप्लाई कर दिया जेड क्यू इज इक्वल टू आयोटा जेड बार जेड ये बार था बेटा यहाँ पे तो कितना आ गया ये दिस विल्वल टू जेड क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार बेटा याद हो तो मॉडल जेड स्क्वायर मॉडल जेड इज वन तो कितना आ गया जेड क्यू इज इक्वल टू आयोटा अब इसके हमें क्या निकालने रूट निकालना है आयोटा को बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी बताओ हमारी e की पावर आयोटा पाई बाई टू प्लस टू एंड ठीक है तो और क्या हो गया बोलो डिस्पिली इक्व टू जेड इज इक्वल टू बेटा एक पावर आयोटा पाई बाई टू प्लस टू एंड पाई बाय थ्री वेयर एन इज इक्वल टू ज़ीरो वन एंड टू यानी एक ट्रैंगल बनेगा ऑब्वियसलीवलेटर ट्रैंगल होगा इतना तो आइडिया होगा ही आप लोगों को तो बताओ यहाँ से क्या कह रहे हैं जेड बोलो कितने कितने आ जाएंगे बेटा एन जीरो रखो तो जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा फाइव बाई सिक्स एंड वन रखा ई e की पावर आयोटा वन रखोगे तो फाइव फाइव बाई सिक्स और एन टू रखा बेटा तो टू कितना हो गया फोर फोर टू जा एट नाइन पाई बाई सिक्स नाइन फाइव बाई सिक्स का मतलब थ्री फाइव बाई टू बेटा और इसको पॉइंट्स फोर में लिखना चाहें तो बताओ कितना हो गया ये ये हो गया बेटा जेट इज इक्वल टू पहला पॉइंट कॉस फाइव बाई सिक्स कॉस फाइव बाई सिक्स आयोटा साइन पाई बाई सिक्स दूसरा कितना हो जाएगा बेटा कॉस फाइव फाइव बाई सिक्स आयोटा साइन पाइ बाई फाइव फाइव बाई सिक्स और तीसरा क्या हो गया बेटा कॉस थ्री पाई बाई टू आयोटा साइन थ्री पाई बाई टू साइन थ्री पाई बाई टू इज माइनस आयोटा तो ये क्या मिल गया मैंने तीनों बार टैक्स मिल गया बेटा और किसी ट्रायंगल के तीनों बार टैक्स मालूम है वैसे भी एकुलेटर ट्रायंगल है दिख रहा है या तो साइड्स निकाल दो तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर कर दो बेटा अदरवाइज तीनों वर्टैक्स मालूम है क्या निकाल दो डिटर्मेंट वाला कंसेप्ट कर दो एरिया निकालना है तो आपकी मर्जी है या तो ये करो या फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे आप तो आपकी मर्जी है कौन सा लगाते हो रूट थ्री बाई टू मैं चलो यही लगा देता हूँ वन बाई टू वन माइनस रूट थ्री बाई टू वन बाई टू वन एंड लास्ट क्या बन जाएगा बेटा हमारा ज़ीरो माइनस वन एंड वन सॉल्व कर सकते हो इजीली इन दोनों को ऐड कर दो एक स्टेप और लिखना चाहे तो बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो रूट थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस करो बेटा ये माइनस ये और माइनस रूट थ्री बाई टू वन बाई टू वन ज़ीरो माइनस वन वन आंसर कितना आ गया बेटा वन बाई टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री इन टू कितना ये माइनस ये कितना देख रहा है यहां से वन बाई टू प्लस वन हो गया क्या तो कितना आ गया ये थ्री रूट थ्री बाई थोड़ा सा करेक्शन कर लेना शायद ये आंसर हो रहा है डिस्टेंस वाले से भी देख लेते हैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा कितना है डिस्टेंस बोलो कितनी हो रही है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी बेटा रूट थ्री बाई टू रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये जीरो का होली स्क्वायर यानी रूट थ्री आ गई तो आंसर रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर तो थ्री रूट थ्री बाई फोर आने चाहिए थ्री रूट थ्री बाई फोर आएगा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा यहाँ पे थ्री रूट थ्री कौन सा आंसर था जो भी थ्री रूट थ्री बाई फोर कर लेना कहने मतलब आंसर है ठीक है आंसर क्या करना है थ्री रूट थ्री बाई फोर कर लेना ठीक है बेटा नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ईजीसा क्वेश्चन था बेटा ये क्या करें देखो इसमें क्या है वेरिएबल सेपरेबल हो रहा था बेटा ये टू की पावर वाई और टू की पावर वाई इसको इधर ले गया मैं टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर वाई माइनस वन इन टू डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई प्लस टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू की पावर वाई नीचे आ गया टू की पावर माइनस वाई है ऊपर पहुंच जाएगा ये ठीक है यहाँ से देखो क्या किया है इंटीग्रेट बोथ द साइड एल एन टू और मल्टीप्लाई कर दिए ये तो ज़ीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एल एन टू है बेटा है ना तो बताओ नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है तो आंसर एल एन ऑफ़ टू की पावर वाई माइनस वन प्लस एल एन ऑफ़ टू की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एल एन सी यानी कितना आगे बढ़े टू की पावर वाई माइनस वन इन टू टू की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी ठीक है नहीं तो यहाँ से क्या करें बताओ सबसे पहले तो हमें एक्स वन वाई वन रखना है रखो एक्स वन वाई वन बेटा एक्स वन वाई वन रखोगे तो ये वन ये भी वन तो सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई बैठ दोबारा में क्या कह रहा है बताओ एक्स जगह टू रखना है वाई निकालना बेटा तो टू की पावर वाई माइनस वन इन टू टू रखना है बेटा टू की पावर टू माइनस वन फोर माइनस वन थ्री इज इक्वल टू सी की वैल्यू वन तो टू की पावर वाई इज एकवल टू कितना आ गया बेटा वन प्लस वन बाई थ्री यानी फोर बाई थ्री तो y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है बेटा हमें लॉग ऑफ फोर बाई थ्री टू द बेस टू लॉग ऑफ फोर बाई थ्री टू द बेस टू यानी कौन सा आंसर हो गया बेटा हमारा थर्ड आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट ये कौन से क्लासिक इंटीग्रेशन याद हो तो e की पावर एक्स इसमें क्या किया बेटा मैंने माइनस वन प्लस वन ठीक है क्या है बताओ ये लिखा हुआ है बेटा ई की पावर एक्स इन टू यहाँ से बेटा एक्स प्लस वन एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन, वन, वन अपॉन प्लस वन माइनस वन तो प्लस टू हो जाएगा बेटा ये टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बेटा यदि ये एफ एक्स है तो ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है एफ डस एक्स वो अभी दिखा भी दूंगा मैं क्योंकि ज़रूरत भी पड़ेगी उसमें तो आंसर कितना हो जाता है इसका याद हो तो आपको e की पावर एक्स इन एफ एक्स तो एफ एक्स कितना दिख रहा है बेटा यहाँ पर एफ एक्स दिख रहा है मैं, हमें यही हमें बोल रहा है भाई ए e की पावर एक्स इन टू एफ एक्स बोल रखा है बेटा ठीक है नहीं तो बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन स्कोर क्या किया प्लस वन माइनस वन यानी वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है नहीं अब बोलो एफ डस एक्स कितना आ गया एफ डस एक्स आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ से भी दिख भी गया होगा यही था भाई एफ़ डस एक्स यहाँ से डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे हमें क्या चाहिए बेटा ट्रिपल डेरेवेटिव चाहिए एफ़ का यानी आप डबल डैस एक्स बोलो माइनस टू माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यू बेटा और एप ट्रिपल डैस एक्स माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वन की पावर फोर क्या रखना है बताओ एक्स जगह एक्स जगह पुट करना है वन बिटा में तो रिजल्ट कितना आ गया है ट्रिपल डैस वन इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन वन प्लस वन टू की पावर फोर बिटा सिक्सटीन फोर थ्री जा फोर फोर जा यानी आंसर इज थ्री बाई फोर तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्लासिक इंट्रीगेशन पे जी सा क्वेश्चन था हाँ ये अलग बात है डेरिवेटिव और पूछ लिया था तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया था कैलकुलेशन वाइज आंसर कितना हो गया बेटा थ्री बाई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डेफिनेट इंट्रीगेशन पर मॉडलस और लगा दिया बेटा हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं माइनस टू 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 एफ एक्स डी एक्स इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स बेटा माइनस ए टू ए को जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अब बोलो तो सबसे पहले तो एफ एक्स और एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं बेटा बताओ एफ एक्स कितना है हमारे पास एफ एक्स है मॉडलस ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स मॉडलस एक्स प्लस वन एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है बेटा जहाँ भी एक्स लिखा है उसकी जगह क्या लिख दें माइनस एक्स लिख दे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स अपौन माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वन बेटा यहाँ से माइनस मॉडलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल्स ऑफ माइनस एक्स पता है बेटा हमें तो क्या लिख सकता हूँ बताओ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स मॉडल्स एक्स प्लस वन इसमें क्या किया बेटा हमने ई e की पावर एक्स मॉडलस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो जो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना देख रहा है हमें ये आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स का मॉडलस अपॉन इनटू ई की पावर एक्स मॉडल एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स इंटू मॉडल एक्स ठीक है अब यहां से बताओ क्या देख रहा है इन दोनों का एडिशन बेटा इन दोनों के एडिशन में एल्शियम सेम है दोनों का मॉडलस ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स तो कॉमन आ रहा है अपॉन e की पावर एक्स मॉडलस एक्स प्लस वन भी कॉमन आ रहा है यहाँ से क्या बच रहा है वन और यहाँ से e की पावर एक्स इन टू एक्स बेटा ये कैंसिल हो गया यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया बेटा मॉडल्स ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स रख दें इसमें रख दो भाई यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो टू टू जीरो टू टू मॉडल्स ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स डी एक्स अब सॉल्व हो रहा है शायद ये कहीं भी बेटा इस इंटरवल में कहीं जीरो हो ही नहीं रहा भाई जीरो पर जीरो है पर टू पर पॉजिटिव है यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव ही है भाई तो बताओ क्या लिख दें जीरो टू टू एक्स क्यू प्लस एक्स डी एक्स एक्स फोर बाई फोर सॉल्व हो जाएगा इजीली बेटा अब तो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू फोर फोर रखो कितना आएगा फोर रखोगे तो टू <coughs> है सॉरी टू रखो बेटा टू की पावर सिक्सटीन टू तो 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 की पावर फोर सिक्सटीन यानी फोर प्लस टू जीरो पे दोनों जीरो तो आंसर कितना हो गया बेटा सिक्स हो गया है कहीं बिल्कुल है भाई ठीक है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो अगेन इसमें भी थी पर क्वेश्चन टफ नहीं था कैलकुलेशन है थोड़ा सा कहने मतलब पेपर लेंदे दिख रहा है वैसे प्रॉब्लम नहीं है भाई देखो अगेन क्या कह रहा है बताओ ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी है हमें क्या क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ से दिख रहा है बेटा टेन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर दिख रहा है बेटे मुझे टेन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर दिख रहा है भाई ठीक है नहीं अब बताओ तो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं बेटा एरिया मैग्जिम मिनिमम पूछ रहा है बेटा एरिया एज अंडर रूट ऑफ साइड दे रखी है तो यही फॉर्मूला एस कितना है पहले बोलो तीनों का सम डिवाइड बाई टू तीनों का सम करोगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टेन प्लस टेन ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी बाई टू ट्वेंटी क्लियर तीनों का सम डिवाइड बाई टू ट्वेंटी आ रहा है बेटा तो एरिया बोलो कितना लिखें अंडरवुड ऑफ ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी माइनस ये ट्वेंटी माइनस ये बेटा तो टेन माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा भी टेन माइनस एक्स स्क्वायर तीसरा बोलो ट्वेंटी माइनस ये यानी टू एक्स स्क्वायर ठीक है नहीं तो क्या हो गया एरिया इज इक्वल टू हमें तो मेनली एक्स वाली टर्म से मतलब है वैसे लिख देता हूँ मैं दिख रहा है बेटा टेन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू एक्स रूट फोर्टी तो ये क्या आ गया एरिया इज इक्वल टू रूट फोर्टी इंटू टेन एक्स माइनस एक्स क्यू डी ए बाई डी एक्स बोलो बेटा मैक्सिमम मिनिमा के लिए रूट फोर्टी का तो कोई रोल है ही नहीं है टेन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही मान लिया पर जो भी है दोनों लिख दिए मैंने रूट टेन बाई थ्री माइनस रूट टेन बाई थ्री क्या है बताओ ये पॉजिटिव ज़्यादा रखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी कैसा है यहाँ पर मैगजिम है क्या चाहिए मैं मैग्जिम में चाहिए भाई इसकी ज़रूरत भी नहीं थी वैसे ही मैंने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था बेटा मैंने एक्स का मतलब मैंने पॉजिटिव ही मान रख के कर रखा था भाई तो मैक्सिमम कहाँ पर आ गया बेटा x इज इक्वल टू कितना हो गया टेन बाई थ्री का रूट ये हमारा k हो गया क्या पूछ रहा है हमें हमें पूछ रहा है बेटा थ्री के स्क्वायर तो थ्री के स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा थ्री इंटू टेन बाई थ्री आंसर इज टेन यानी आंसर कौन सा हो गया बेटा फोर हो गया बेटा ठीक है नेक्स्ट बेटा सिक्सटीन इफ़ द सम ऑफ द सीरीज ऑफ इतने अप टू टेन टर्म्स इतने देन वे आर एम एन एन आर को प्राइम देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन सीरीज है बेटा इसको थोड़ा सा मैं क्या करना था रीअरेंज करके लिखना था भाई इसको क्या लिखा बेटा मैंने फोर प्लस वन इसको लिखा सिक्सटी फोर प्लस वन इसको लिखा थ्री ट्वेंटी फोर प्लस वन इसको लिखा वन जीरो टू फोर प्लस वन सोन so यहां से ध्यान से देखो आप इसको बेटा इसको फोर इंटू कित, कितना लिखा हुआ है बताओ फोर इंटू कितना सिक्सटीन है नहीं फोर इंटू सिक्सटीन यहाँ पे बोलो फोर इंटू थ्री ट्वेंटी फोर को बोलो बेटा थ्री ट्वेंटी फोर को क्या कह रहे हैं फोर इंटू बोलो क्या लिखा हुआ है कितना बचेगा एट और वन यानी थ्री की पावर फोर यानी क्या लिखा हुआ है जनरलाइज और बोलूं तो बेटा मैं पहला लिखा हुआ है वन अपॉन फोर इंटू वन की पावर फोर प्लस वन दूसरा लिखा हुआ है टू अपॉन फोर इंटू टू की पावर फोर प्लस वन तीसरा लिखा हुआ है थ्री अपॉन फोर इंटू थ्री की पावर फोर प्लस वन चौथा लिखा हुआ है फोर अपॉन फोर इंटू फोर की पावर फोर प्लस वन ऐसे ही पाँचवा लिखा हुआ है एंड ऑन तो बताओ जनरल टर्म क्या होगी इसकी जनरल टर्म हो गई बेटा आर अपॉन कितना फोर इंटू आर की पावर फोर प्लस वन इसका हमें क्या निकालना था सिग्मा निकालना था कहाँ से कहाँ तक आर इज इक्वल टू वन टू टेन इसको क्या किया सिर्फ आगे लिख रहा हूँ सिग्मा बाद में लगा रहा हूँ बेटा सिग्मा बाद में लगा रहा हूँ ध्यान देना नीचे लिख देता हूँ मैंने क्या किया बेटा अपॉन में फोर आर की पावर फोर प्लस वन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर सिग्मा बाद में लगा रहे हैं बेटा कैंसिल होते जाएंगे वो तो, तो बताओ क्या दिख रहा है डिनोमीटर में डिनोमीटर में आ रहा है बेटा हमारा ये टर्म दिख रही है टू आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू आर का होल स्क्वायर ऊपर आर ठीक है इसका मतलब और क्या दिख रहा है बेटा हमें ऊपर दिख रहा है आर अपॉन नीचे ए प्लस बी एन ए माइनस बी टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन एंड टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन ठीक है नहीं अब बोलो तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है क्या बिल्कुल है फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दें भाई इन दोनों का डिफरेंस देखो फोर आर है तो यानी इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा वन बाई फोर इन टू वन अपॉन यानी टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन माइनस वन अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन कितना आता है बेटा ये ए बी लिखा हुआ है ये ए माइनस बी लिखा हुआ है तो बनपॉन बी माइनस बनअपॉन ये क्लियर है ना अब इसमें आर की वैल्यू रखते जाओ भाई वन बाई फोर इन टू अब सिग्मा की वैल्यू बात कर रहा हूं बेटा यहां पे सब में सिग्मा था भाई मैंने लगाया नहीं था सिग्मा था बेटा अब सिग्मा हटा रहे हैं यानी आर की वैल्यू वन से टेंथ तक रखते जा रहे हैं यहां पे सब में सब में क्या था बेटा सिग्मा था ये। ठीक है यानी अब बोलो तो आर की वैल्यू वन रखो वन अपॉन वन रखोगे तो कितना आ रहा है वन माइनस वन अपॉन फाइव प्लस टू रखोगे तो वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन कितना बेटा एट थर्टीन देखो कैंसिल स्टार्ट हो गया ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल तो लास्ट में क्या बचेगा बताओ फर्स्ट टर्म जो भी है वो तो कैंसिल हो जाएगी जरूरत नहीं है जो भी आएगा बेटा माइनस सेकेंड टर्म बचेगी हमारे क्या बचेगी वन अपॉन टेन रखोगे बेटा कहाँ तक जाना है हमें टेन तक जाना है पहली कैंसिल हो जाएगी इसलिए लिखी नहीं है बेटा मैंने कितना आएगा टेन का स्क्वायर हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस वन तो यानी ये कैंसिल इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल इससे तो क्या बचा बेटा फाइनली इधर लिख रहा हूँ भाई जगह कम है इधर लिख रहा हूँ बेटा तो क्या बच्चा बताओ वन बाई फोर इंटू वन माइनस वन अपॉन टू ट्वेंटी वन तो और वन बाई फोर इंटू टू ट्वेंटी अपॉन टू ट्वेंटी वन और कितना है बेटा फोर से कैंसिल हो रहा है शायद बिल्कुल हो रहा है फोर फाइव जा ट्वेंटी और फोर फाइव जहा और फाइव से भी हो रहा है भाई यानी क्या आ गया फाइव बाई इलेवन इज योर आंसर अब हमें क्या चाहिए था बेटा हमें चाहिए था एम बाई एन है तो एम प्लस एन तो एम प्लस एन फाइव बाई इलेवन तो फाइव प्लस इलेवन यानी सिक्सटीन इज योर आंसर ठीक है हाँ भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखें भाई क्या कह रहे हैं एन एन आई सो श्रेष्ठ ए बी सी क्या दे रखा है एक आईसोसलेस ट्रैंगल दे रखा है बेटा वर्टेक्स ए दिया हुआ है सिक्स कॉमा वन और ये लाइन गेवन है बी सी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर और क्या कह रहा है बी पॉइंट बी पॉइंट पर एक लाइन और है कोई भी जो बी पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन कौन सी दे रखी है मैं एक्स प्लस थ्री बाई इजिकल टू सेवन तो सबसे पहले तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली आ रहे हैं बेटा बिल्कुल आ रहे हैं भाई दोनों को सॉल्व करेंगे पॉइंट आ जाएंगे वन कोमा टू बेटा इजिली सोल्वे सॉल्व हो रहा है भाई अब देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें या डायरेक्ट अपन क्या निकालें यहाँ सेन्ट्रेंड सेंट्र, निकालें देखो ध्यान दो थोड़ा सा पहला तरीका तो मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ बस क्या करें बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन ये बेटा एल्टीट्यूड ही भी होगी परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई भी होगी इस लाइन की इक्वेशन यदि इस पॉइंट को मैं डी बोल दूँ तो इस लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हो आप किस लाइन के परपेंडिकुलर है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना आता है बेटा एक्स माइनस टू बाई कहाँ से पास हो रही है सिक्स को वन बोर्ड पे देखो ध्यान से सिक्स वन सिक्स वन फोर हो जाएगा तो ये ए डी लाइन की इक्वेशन आ गई डायरेक्ट ठीक है नहीं ए डी लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास अब डी पॉइंट के कॉर्डिनेट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे डी आ जाएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी सी आ जाएगा सी आ, आ गया सेंट्रड आ जाएगा क्लियर पहला कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी तो यहाँ से बी मालूम है तो सी आ जाएगा और तीनों बार टैक्स मिल गए तो क्या आ जाएगा हमारा इन सेंट्रड आ जाएगा ठीक है अब हम क्या करें दूसरा तरीका कि इसी लाइन पर सेंट्रेड होगा बेटा हमारा तो सेंट्रेड इसको सेटिस्फाई करेगा यानी अल्फा माइनस टू बीटा इज इक्वल टू फोर एक इक्वेशन मिल गई बेटा एक इक्वेशन और मिल जाए काम चल जाएगा हमारा हमने क्या किया सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए बेटा एक एक्स वन लिख रहे हैं तो यदि एक्स वन लिख रहे हैं तो वाई वन बताओ कितना हो रहा है फोर माइनस टू एक्स वन ठीक है अब स लिख रहे हैं बेटा हम क्या आएगा बताओ एक्स वन प्लस सिक्स प्लस वन बाई थ्री इजिकल टू एल्फ़ा तो एक्स वन इज इक्वल टू थ्री एल्फा माइनस सेवन सिमिलर यहाँ से बोलो फोर माइनस टू एक्स वन प्लस वन प्लस टू अपॉन थ्री इज एकवल टू बीटा तो बताओ माइनस टू एक्स वन इक्वल टू थ्री बीटा माइनस सेवन एक्स वन एलिमिनेट कर दिए बेटा यहाँ से एक्स वन की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो माइनस टू थ्री अल्फा माइनस सेवन इक्वल टू थ्री बीटा माइनस सेवन इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया बेटा बताओ कितना देख रहा है थ्री बीटा और सिक्स अल्फा प्लस थ्री बीटा इजिकल टू ट्वेंटी वन फोर्टीन ट्वेंटी वन यानी टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेवन दूसरी इक्वेशन ही आ गई भाई दोनों को सॉल्व कर ले अल्फा बीटा जाएगा भाई पहले ये आई है दूसरी है आ गई बेटा यहाँ से इसमें टू टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर दें बेटा इसमें बताओ इसका टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टू अल्फा माइनस फोर बीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स कर रहे हो तो एट माइनस कर दिया बेटा माइनस प्लस माइनस यानी कितना आ गया फाइव बीटा इज इक्वल टू माइनस वन तो बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव बीटा एक वैल्यू पुट कर दो एल्फा आ जाएगा भाई तो एल्फा आता है बेटा अपना एट्टीन बाई फाइव दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा एल्फा प्लस बीटा यही पूछ रहा है शायद हमें एल्फा प्लस बीटा सेवनटीन अपॉन फाइव ठीक है तो 15 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालो 15 टाइम्स फिफ्टी 51 हो गया सही फिफ्टी हो गया बेटा ठीक और आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा 18 या अपन कलेक्ट कर पाए मेमोरी बेस में लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है किस पे भी है इजी सा क्वेश्चन था बेटा बोल रहा है नगेशन ऑफ P एंड Q और Q सॉल्व करें तो नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q और Q क्या लिख दिया बताओ नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q और Q बेटा दोनों यूनियन है कहने का मतलब प्रॉपर्टी बताओ ये क्या लिखा हुआ है टूटोलॉजी लिखा हुआ है तो नगेशन ऑफ P और T तो आंसर इज टी यानी जो गिवन है वो हमारा टी गिवन है ऑबियसली इसका मतलब हम क्या करेंगे अल्टरनेट से चेक करेंगे अब मैं डायरेक्ट ही जो आंसर है उसी को चेक करके बता रहा हूँ आपको ऐसे ही तीनों चारों चेक कर सकते हो बेटा बताओ क्या दिया हुआ है हमें हमें दे रखा है पी थर्ड पी एम्प्लाइज पी और क्यू क्या रिजल्ट होता है इसका पी नगेशन ऑफ पी और पी और क्यू क्या लिख दिया बताओ नगेशन ऑफ पी और पी और क्यू अगेन ये टी हो गया बेटा तो आंसर इज टी यानी ऑब्वियसली कौन सा आंसर हो गया हमारा थर्ड आंसर हो गया क्लियर ओके हलो स्टूडेंट्स तो अपन एनालिसिस कर रहे हैं ट्वेंटी सेवन जून के पेपर का शिफ्ट वन का मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मिले अपन को टोटल बेटा अपन कितने क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए थे एट्टीन क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए थे हम तो टोटल उन एट्टीन में से कहने वाला सिक्स तो टोटल यदि अपन थर्टी का माने तो टोटल थर्टी आते हैं तो अपन सिक्सटी परसेंट कलेक्ट कर पाए यदि ट्वेंटी फाइव में से लें तो थोड़ा ठीक ठाक है अब देखो क्या कह रहे हैं बायनमेल थियोरम से कौन कौन से ज़्यादातर टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से बेटा कौन से एक एक क्वेश्चन आया है यानी बैलेंस रखा है पेपर लगभग 50% परसेंट से 50% परसेंट से आए हैं देखो यदि ध्यान दे रहे हो तो आप बाइनिबल थ्योरम से एक कॉम्प्लेक्स से एक कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से तीन वही कहने मतलब एक कलेप से एक स्ट्रेट लाइन मिल गया एक सर्कल मिल गया जो भी है कैलकुलस से भी दो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक था एक फंक्शन था एफ ओ एम से वन एंड ऐसे ही यदि अपन एंट्रीगल कैलकुलस से तीन है डेफिनेट इंट्रीगल एर एरिया वगैरह जो भी है इनडेफिनेट इंट्रीगल का एक था मैथमेटिकल रीजनिंग का एक था पी का भी एक मिल गया था प्रॉबलिटी का भी था एक क्वालिटी के क्वेश्चन सिक्वेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री सबका कहने मतलब एक 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 क्वेश्चन थे ज़्यादातर चैप्टर कहने का मतलब कवर किए बेटा ज्यादातर चैप्टर प्रत्येक में से लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन था अपना मैं यदि आगे अपन बात करें तो ये क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा इसमें जो एलेवेंथ में थे जो अपन कलेक्ट कर पाए उनमें से नाइन किस में थे एलेवेंथ के और नाइन ही किसके थे ट्वेल्थ के यानी बराबर बराबर परसेंटेज के क्वेश्चन थे वही मैं बोल रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में भी ये अपने एलेवेंथ यानी कहने का मतलब क्या है क्लास वाइज एनालिसिस है यदि अपन और आगे बात करें टिपिकल लेवल बाद तो टेन लगभग क्वेश्चन जो एट्टीन में से थे वो ईजी थे सेवन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी एक हमारा क्या था टफ क्वेश्चन था क्या मतलब टोटल यदि ओवरऑल बात करें अपन तो क्वेश्चन टोटल कैलकुलेटिव था बेटा कैलकुलेटिव मतलब टाइम टेकिंग था थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन डायरेक्ट एक दो ही थे जो थोड़ा बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते थे ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करनी पड़ती है कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ये अलग बात है कुछ क्वेश्चन तो अपने सीट जैसे ही थे आपको आपको भी दिख गया होगा कुछ क्वेश्चन सीट जैसे ही थे पर ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है थोड़ी सी क्या करनी पड़ रही है हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और जहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो क्वेश्चन टफ नहीं थे ज़्यादा पर लेंदी था थोड़ा सा पेपर यदि अपन ओवरऑल टाइम की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी था टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई हो जिसकी स्पीड सही है उसको प्रॉब्लम कम आई होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी ठीक है ठीक है तो भाई यही था अपना माइसल भी यदि मैं बताना चाहूँ तो संजय सिंगल रेजुडेंस सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स ओके ऑल द बेस्ट